हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन द डॉट। और आज हम बात करने वाले हैं एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के हवाले से। तो रिसेंटली मैंने एक ग्राफिक टैबलेट परचेज किया था गेमों का, तो वो मैंने अपने ग्राफिक डिजिटल आर्ट के डिजिटल पेंटिंग के लिए और जो मैनिपुलेशंस वगैरह फोटोशॉप में होती है तो उसके लिए मैंने ये टैबलेट खरीदा है। आई परचेज इट ऑनलाइन। तो ये टैबलेट और दूसरे टैबलेट्स के डिफरेंशिएशंस क्या है? सबसे पहला जो मैं बात करूंगा यहाँ पे कॉस्ट की बात है। एक बिगनर के लिए, एक न्यू स्टार्ट स्टूडेंट्स के लिए ये टैबलेट बेस्ट है। दिस इज गेमर टैबलेट और हम करेंगे आज इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये खुल गया आपका डब्बा। तो इसके अंदर सबसे ऊपर जो है ये जो चीज़ है ये आपका टैबलेट है जो कि पैक्ड है। थोड़ा खुल गया होगा ये, बिल्कुल इसके अंदर सील्ड है, ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारा रहा केबल जो कि इसके ज़रिए हम इसको कनेक्ट करेंगे मोबाइल के साथ। ये मोबाइल के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि इसकी साइज़ छोटी होने की वजह से मोबाइल के लिए बेहतरीन चॉइस है। ये आपका मोबाइल का हो गया। और ये जो है आपका मेन केबल है जो कि आपके लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ इसको इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये दो कनेक्टर्स दिए हुए। इसके ज़रिए पूरा मोबाइल ये अगर आप लगाएंगे तो आपका मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा और डायरेक्ट ये लगाएंगे तो आपका लैपटॉप के साथ। तो ये कुछ निप्स है जो कि उसके साथ लगेंगे पेन के साथ। तो ये रहा जी आपका पेन और ये पेन है, ठीक हो गया। इसका इन लोगों ने पैकेजिंग बड़ी अच्छी बनाई है इस दफ़ा। बड़ा अच्छा इसका पाउच है, काम करके इसके अंदर इसको बंद करो। हाँ जी, ये देखो लोगों के साथ कितना प्यारा सा बनाया इन लोगों ने। ये ग्लव है इसका काम करने के लिए। तो भैया ये हो गई चीज़ें, ठीक हो गया। तो अब हम इनको ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये भैया यहाँ गए, ठीक हो गया। अब ये रही हमारे पास चीज़ें, तो हम बारी बारी एक एक करके हम इसकी चीज़ें देखते हैं। अच्छा जी, ये रहा आपका मेन टैबलेट, इसको खोलते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये जो एरिया है ये आपका वर्क स्पेस एरिया है। यहाँ पे आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने 4 बटन दिए हुए, इसमें से आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हो और ये पहले से भी सेट हुआ होता है। तो ये रहा, ये आपका पिन है, यहाँ से आप अपना वो केबल की पिन लगा सकते हैं। और ये इसका साइज इतना है, तो ये खूबसूरत बना हुआ है, अच्छा है ये, ठीक हो गया। ये जो है ये पिन है जो कि पेन के साथ लगेंगे निप से, ठीक हो गया। तो ये आपका ग्लव है, इसको हम इस तरीके से पहन सकते हैं और पेन के इसके साथ जो पेन है ये यूं इसके ऊपर काम करते हैं। आपके लिए रॉन्ग साइड होगा लेकिन मेरे लिए इस तरह रखना राइट साइड। तो ये रहा, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये है कि जब आप काम करेंगे तो कभी कभी यहाँ से पसीना आ जाता है, तो पसीना जब यहाँ पे लगता है तो वो फिर फिसक जाने का वो होता है, तो उसमें सही से पेन नहीं चलती। तो इसके लिए ये इन लोगों ने अच्छा इसका साथ दिया हुआ है। तो ये है इसके साथ, ये ठीक हो गया जी। और तो और बाकी ये केबल है इसका, और ये केबल है और ये मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा।
अभी इसके बाद जो हम देखेंगे इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो अभी इसका प्रेशर हम देखते हैं, प्रेशर किस तरीके का प्रेशर है इसका, ये देखें ये इसका सेंसिटिविटी लेवल है, ठीक है। जितने इसका कम कॉस्ट में आ रहा है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तो ये आप जितनी जो भी आपका क्रिएटिविटी होगा वो फिर आपके ऊपर है कि हाउ यू कैन एग्जीक्यूट योर वर्क। और यहाँ पे जो एक ये बटन है ये ओपेसिटी का बटन है, तो ये दबाने से देखें आपका ओपेसिटी कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, ये देखें आपका ओपेसिटी कंट्रोल हो रहा है इससे, ठीक हो गया। तो ये रहा आपका ओपेसिटी, और ये था आज का इसका फोटोशॉप के अंदर का जो इसका प्रोसेस था ये था। अब इसके बाद हम जाएंगे उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो ये रहा इसका प्रॉपर्टीज ऑप्शन, सबसे पहले प्रेस कीजिए क्योंकि इसका राइट जो इसका ब्रैकेट है ये इसका साइज अप एंड डाउन करने के लिए, ये दोनों ये रिजर है और ये आपका ब्रश है और ये आपका डिजिटल पेन आ गया यहाँ पे। और ये राइट बटन का है, ये इरेजर है, ये एक्टिव एरिया है, ये प्रेशर सेंसिटिविटी आप मैन्युअली भी एडजस्ट करते हैं उसके लिए इन लोगों ने दो बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पे। इट्स लाइक फोटोशॉप में कर्व्स का जो बटन है मुझे उस तरीके का लग रहा है ये सेम। और ये प्रेशर टेस्ट है, यहाँ पे आप प्रेशर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ये रहा। और इसके बाद ये वर्क स्पेस है, ये फुल एरिया है, ये स्क्रीन रेशो, ये जो ग्रीन लाइन है इसके अंदर ही इसका वर्क एरिया है, बाकी आप रोटेट कर सकते हैं। आप मोबाइल यूज अप करेंगे तो उस हिसाब से आप 90 डिग्री पे भी या 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आज। तो आपने आज का अनबॉक्सिंग देख लिया गेमोन का टैबलेट गेमोन, इसका मैं आपको इसका ये बता देता हूँ। हाँ, गेमोन S620, गेमोन S620 नाम है इस टैबलेट का, और ये बहुत अच्छा टैबलेट है। मैंने पहले भी इसको यूज़ किया हुआ है गेमोन का, अब ये मैंने एक दूसरा मंगवाई है मोबाइल के लिए, ये मंगवाई है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह के जो वीडियोज हैं मैं आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।